आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड टेक में। फ्रेंड्स, जैसे मैं फूड टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाता रहता हूँ, फूड ब्लॉग बनाता रहता हूँ, थोड़ा फैमिली ब्लॉग बनाता रहता हूँ, आज उसी श्रृंखला में मैंने क्या लिया है, फैमिली ब्लॉग लिया है। और वो भी किसका दिया है मैंने कि होममेड घी, घर पे घी को हम कैसे बनाएं। दोस्तों, हमारे घर में, हर घर में क्या होता है कि दूध को बॉयल कर दिया जाता है और उसे जो है ठंडा करके फ्रीज में रख देते हैं। उसके ऊपर मलाई की परत जम जाती है, उस मलाई की परत को इकट्ठा करते रहते हैं और उससे जो है हमें जो है कैसे घी बनाना है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, क्योंकि घी मार्केट में जो है प्योर नाम की चीज़ तो है ही नहीं। प्योर कहना, जो प्योर कहता है वो थोड़ा सा मार्केटिंग फंडा हो सकता है। प्योर जो है कॉमर्शियल ग्रेड, कॉमर्शियल में प्योर जो है घी मिलना बहुत मुश्किल है। प्योर का शब्द मतलब ये तो बहुत 1% है जो घी हमारा प्योर हो। 99% घी जो है स्टैंडर्ड घी हुआ करते हैं, चाहे वो FSSAI के स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हों या एगमार्क के स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हों। दोस्तों, घर का घी जो है, जो डेयरी का दूध का लाया हुआ होगा, वो ज़्यादा शुद्ध होगा और प्योर होगा। देखिए मेरी वीडियो। फ्रेंड्स, जो है मैंने मलाई को इकट्ठा कर लिया है और ये करीब 8-10 दिन की मलाई है जो एक कटोरी में मैंने इकट्ठी कर ली है और फ्रीज में रख दी है। और फ्रीज में डेली उसे फ्रीज में रखता जाता हूँ। ये मलाई पूरा कटोरा भर गया है तो इसको जो है, जब घी बनाने के लिए क्या करूँगा, एक अच्छी पैनी का जो है एक स्टील का साफ भगोना लूँगा और जो साफ भगोना ले लिया गया है और मलाई को इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। थोड़ी मलाई जो है अभी इसमें चिपकी हुई है, इसको अभी फेंकूंगा नहीं। मैंने इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है और गर्म पानी डालकर क्या है, इसको हल्का सा गर्म किया जा रहा है, जिससे आप देख रहे हैं कि मलाई जो है, जो जमी हुई थी, जो कटोरे में चिपकी हुई थी, वो भी धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही है। आपको दिखाई दे रही है मलाई बाहर आ रही है और मलाई सब ये पानी में मिल रही है। ये थोड़ा सा पानी में बॉयल नहीं करूँगा, मगर करीब 50-60 टेम्परेचर तक लगभग जो है तेज़ गर्म पानी थोड़ा कर लिया जाएगा। और पानी तेज़ गर्म करके इस पानी को जो है, मैं जो है ये मक्खन निकाला हुआ था, मक्खन में जो है डाल रहा हूँ। ब्लेंडर से जो है इस मलाई को और लौनी या मक्खन निकल के बाहर आ जाएगा जी। और वो सफ़ेद मक्खन बिल्कुल निकल रहा है, सफ़ेद मक्खन निकल के, तो आप देखेंगे सफ़ेद मक्खन जो है निकल के आया है और जो ऊपर फैट का जो है गोला सा बन गया है, मक्खन जो है निकल कर आ गया है। मक्खन देखेंगे, मक्खन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्योर और बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही फ्रेश है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मक्खन को निकाल कर के आया, इसमें जो अंदर वे रह गया है इसको मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और जो इसको हाथ से निथार कर इसमें जो पानी मैंने मिलाया था, वो पानी और वे जो है अलग निकाल लिया गया है। अब इसको क्या करूँगा, मैं इस कढ़ाई को जो है फ्लेम पर रख दूँगा। फ्लेम पर रख कर, ये तो छाछ है, बटर मिल्क है जो वेस्टेज है मेरा, और ये मक्खन को जो है, मक्खन में करीब 90% या 85% फैट होती है। इसको जो है धीरे धीरे पहले गर्म करूँगा, जब ये मक्खन पिघल जाएगा और अच्छी तरह बॉयल होने लगेगा तो इसको जो है 5 मिनट तक मैं बॉयल करता रहूँगा। और जो आप देखेंगे कि ये मक्खन बॉयल हो रहा है और बिल्कुल पिघल गया है। अब इसने घी को छोड़ दिया है और प्रोटीनियस मैटर जो है इसमें नीचे रह गया है, मगर इसको मैं इतना गर्म करूँगा कि मेरा घी पक जाए और घी में जो है येलोइश कलर आ जाए, हल्का येलोइश कलर, क्योंकि ये बफेलो मिल्क है, इसमें भैंस का दूध है तो ज़्यादा पीलापन नहीं आएगा, हल्का पीलापन आ गया तो पीलापन आ चुका है और घी जो है बन गया है। मगर इसको थोड़ा गर्म करूँगा, अगर घी गर्म नहीं करूँगा तो घी कच्चा रह जाएगा और इसमें मॉइस्चर रह जाएगा और घी हमारा स्टेबल कम बनेगा।
घी ने अब इसको जो है जब निकल जाएगा तो मैं देख रहे हैं कि मक्खन मक्खन निकल गया, घी अलग हो गया है और प्रोटीनियस मैटर नीचे बैठा हुआ है, और प्रोटीनियस मैटर को जो है इसे सेटल कर रहा हूँ और ठंडा कर रहा हूँ, इतना ठंडा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे कांच के बर्तन में आपको वीडियो बनाने के लिए देख दिखाऊंगा, वरना स्टेनलेस स्टील के बर्तन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता था। एक वीडियो पर्पज से मैंने जो है कांच का बर्तन लूँगा और घी इतना ठंडा कर लिया है, करीब उसका टेम्परेचर 50 हो गया है और घी जो है डबल सीप से जो फिल्टर किया जा रहा है जिसमें कोई इसमें प्रोटीनियस मैटर ना रह जाए, कोई रेजिड्यू ना चला जाए, और ये घी जो है बिल्कुल क्लियर क्लैरिफाइड घी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हैप्पी एरोमा है, इसमें भी घी बनकर तैयार है। और घी जो है इसको मैं क्लोज या टाइट कंटेनर में रख दूंगा। आपने मेरी वीडियो देख ली, थैंक यू फ्रेंड्स। आपने मेरे घी बनाने की वीडियो देखी थी और आप ये समझ गए कि घर का घी तो वास्तव में शुद्ध होता ही है, और क्योंकि अगर जो डेयरी से दूध आया हुआ है और उसमें जो है मल्टी हैंडलिंग नहीं है, और कॉमर्शियल में जो है मल्टी हैंडलिंग होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सी एडल्ट्रेशन होती हो सकती हैं, तो इसलिए घर का घी जो है शुद्ध होता है। बस इसमें क्या कमी है कि कॉमर्शियल घी में जो है फैक्ट्रीज में क्या है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं और उनका टेम्परेचर है, कितना देर स्थिर करना है, कितना देर घुमाना है, कितना क्लैरिफाई करना है, ये सब कंट्रोल हो जाता है। जो घर में जो है जो घर में घी बनाया जाता है उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता है, मगर घर का घी ज़्यादा खाने में शुद्ध है और उसकी एरोमा भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक, सी यू अगेन।